May I request Dr. Murali Manohar Joshi to come and say a few words to us. भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी महानुभाव, और आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए देवियों और सज्जनों, आज हम श्री धीरू भाई अंबानी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनका स्मरण करने के लिए और महामहिम राष्ट्रपति जी के विचारों को सुनने के लिए एकत्रित हुए। स्वर्गीय धीरू भाई एक स्वप्न दृष्टा थे और उनका विश्वास योग कर्मसु कौशलम में था। वो जो कुछ करते थे और करना चाहते थे उसे उत्कृष्टता की ऊंचाइयों तक, हाईएस्ट पीक ऑफ एक्सेलेंस तक पहुंचाने का प्रयत्न सदा करते थे और उन्होंने किया। उन्होंने ये भी दिखाया कि भारत में कितनी क्षमताएं हैं, कितनी संभावनाएं हैं, और वो मेरी नजर में भारत की क्षमता, संभावना और सामर्थ्य का एक बेजोड़ उदाहरण थे। उनके जीवन से हमें यह पता चलता है कि अगर व्यक्ति अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को ठीक से पहचान ले तो वह हर चुनौती का सामना बहादुरी के साथ कर सकता है और विजय प्राप्त कर सकता है। महामहिम राष्ट्रपति भी हमारे सामने मौजूद हैं, वो भी एक स्वप्न दृष्टा है, उनका भी एक सपना है भारत के लिए, और कई बार मैं देखता हूं कि उनके सपनों में और धीरू भाई के सपनों में बहुत हद तक समानता है, और ये बहुत ही उत्तम संयोग है कि एक स्वप्न दृष्टा की प्रथम पुण्यतिथि पर एक दूसरा स्वप्न दृष्टा जो उन्हीं की तरह सपनों को साकार करता है, सफल बनाता है, अपना भाषण देने के लिए और हमें संदेश देने के लिए उपस्थित है। देश को सामर्थ्यशाली, संपन्न और शक्तिशाली बनाने के जितने भी प्रयास हैं उन सब के ये दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। मैं आप सबके साथ मिलकर धीरू भाई जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अंबानी परिवार को इस बात के लिए अपना आभार प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां इस अवसर पर एक महान व्यक्ति के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आमंत्रित किया। मैं आप सबके साथ मिलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि भारत में अनेक धीरू भाई और अनेक कलाम इस देश को समुन्नत बनाने के लिए सदा उत्पन्न होते रहें और देश का मार्गदर्शन करते रहें।